सहरसा में कोरोना के दूसरे फेज में बहुत तेजी से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। यहां पर प्रतिदिन कोरोना के नए केस जिले में मिल रहे हैं, जिसके बाद डीएम कौशल कुमार ने लोगों से अपील की है कि लोग मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। उन्होंने बताया है कि जिले में अभी 417 केस एक्टिव हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस नगर परिषद क्षेत्र से है और इस इलाके में 214 मरीज पाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का सेकेंड सर्ज स्टार्ट हो गया है और विगत 9 मार्च 2021 को पहला कोविड पॉजिटिव केस जिले में पाया गया था और 9 मार्च 2021 के बाद अभी तक करीब 44,408 लोगों का टेस्ट किया गया है। इसमें 497 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 74 लोग को हम लोग ने ट्रीट करके डिस्चार्ज किया है होम आइसोलेशन से। 5 केस थोड़ा सिम्टम। बिहार में कोरोना दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां बीते दिनों रिकॉर्ड तोड़ 4,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में जागरूकता की भारी कमी देखने को मिल रही है। मौजूदा वक्त में हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत में कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बात करें राजधानी पटना की, तो यहां पर भी स्थिति भयावह होती जा रही है। ये तस्वीर पटना के गार्डिनर अस्पताल की है, जो हम आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लोग आए तो हैं कोरोना टेस्ट के लिए, लेकिन जागरूकता की कमी होने के कारण ये सामाजिक दूरी का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जिससे दूसरे लोगों में भी कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। और बिहार के कई जिलों में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। औरंगाबाद में कोरोना की चपेट में आने से एक 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से मृतक की तबीयत खराब चल रही थी, जिसे देखते हुए परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। देर शाम मृतक की अचानक तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और अस्पताल में भी हड़कंप देखा गया। मृतक की पहचान देव थाना क्षेत्र के केताही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। यहाँ कल रात में 1 बजे आए थे, गाड़ी कर कल यहाँ दिखाया गया सदर हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर कोरोना जांच कराया गया, पॉजिटिव आया। फिर एक्सरे हुआ, लगे लंग्स में पानी भी आ गया है। अंतिम संस्कार में हम लोग क्यूएमआरटी टीम जो है, पुलिस प्रशासन है, साथ में यहाँ से ले जाते हैं वहाँ पे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनको वहाँ पे जलाया जाता है। जला करके उस We'll be right back.